झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे पर हादसा हुआ। दो ट्रोलियां आपस में टकराई। हादसे में दो महिलाओं की मौत, 10 से ज्यादा घायल हैं। कल दोपहर करीब 3 बजे हुआ था हादसा। हादसे वाली जगह पर देर रात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे। सांसद की लोगों से बहस हो गई। यदि मेरी सुरक्षा का इतना ख्याल रहता तो मैं बाईपास फेंक का हूँ और 3 दिन से बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने हादसे पर दुख जताया। कहा, घटना की जांच के आदेश दिए गए। देखिए, ये दुखद है और इसका जांच हम लोग कराएंगे। जिस तरह हम देखे हैं कि दो पुलिया जो है टेढ़ा हुआ है। देवघर में हादसे के बाद रात भर ट्रोली में लटके रहे लोग। जानकारी के मुताबिक क्षमता से ज्यादा रोपवे में ट्रोली जोड़ी गई थी, जिसकी वजह से दो ट्रोली टकरा गई। बीजेपी का आरोप, झारखंड सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बीजेपी कर रही है राजनीति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हादसे पर बयान, बोले, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी, लोगों को जल्द से जल्द मदद दी गई। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नजर है और NDRF से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अमेरिका में बातचीत। वर्चुअल बैठक में आमने सामने मोदी और बाइडेन होंगे। अमेरिका में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी। JNU हंगामे में अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। ABBP का आरोप है, पहले से रची गई थी नवरात्रि पर पूजा रोकने की साजिश। दिल्ली के JNU में कल नवरात्र के मौके पर नॉनवेज खाने और पूजा पाठ में बाधा डालने के आरोप में बड़ा बवाल हुआ था। JNU में झड़प के बाद लेफ्ट विंग के छात्रों ने कल वसंत कुंज थाने का घेराव किया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने ABBP के छात्रों के खिलाफ मारपीट और अभद्रता की शिकायत की है। रामनवमी के मौके पर देश भर में हुई हिंसा पर MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस के शहर पर राजस्थान, गुजरात, MP, कर्नाटक, बिहार और UP और गोवा में हिंसा करवाई। रामनवमी पर गुजरात के साबरकांठा और आनंद में जुलूस के दौरान पथराव हुआ था। हिंसा में 15 से ज्यादा आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी हिंसा हुई। हावड़ा में पथराव हुआ। बांकुरा में जुलूस के लिए रास्ते पर बजरंग दल और पुलिस के बीच में ही हिंसक झड़प हो गई। 15 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में रामनवमी के जुलूस के दौरान दो पक्ष भिड़ गए, आगजनी भी की गई। खरगोन में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब तक 70 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के फतेहपुर में हिंदू और मुसलमानों की अनोखी भगवा रैली। रैली में सैकड़ों मुसलमानों ने भगवा पगड़ी पहनी। कांग्रेस विधायक अली ने शोभा यात्रा पर बरसाए फूल, एकता का दिया संदेश। उत्तराखंड के टेहड़ी गढ़वाल में धधक रहे हैं पहाड़ी जंगल। तिवाड़ गांव के पास भड़की आग। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की आज कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा की पुलिस कस्टडी 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अभिनेता और स्क्रीन राइटर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले शिव सुब्रमण्यम का निधन। शिव ने परिंदा और हजारों ख्वाहिशें जैसी उम्दा फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा था।
पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का आज शपथ ग्रहण, शहबाज शरीफ का पीएम बनना तय है, पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो बन सकते हैं पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री, राणा सालाउल्लाह को मिल सकती है गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। अमेरिका में टेक्सास के जंगलों में लगी आग, 2800 एकड़ में फैली है यह आग, आग पर अब तक नहीं पाया गया काबू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।